अस्सलाम वालेकुम छात्रों, कक्षा सातवीं विषय हिंदी और आज का हमारा पाठ है परिश्रम ही पूजा। बच्चों, ये पाठ बहुत ही सुंदर, सरल और बहुत ही अच्छा है। और इस पाठ में परिश्रम, यानी इस निबंध में लेखक ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम मतलब मेहनत, तो मेहनत ही सफलता की यानी कामयाबी की कुंजी है, यानी चाबी है, ये बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। मतलब आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को पाने की आप में बहुत ज़्यादा शिद्दत है, बहुत ज़्यादा आप में मतलब लगाव है कि आप किसी चीज़ बहुत अच्छी सफलता, या ये कह सकते हैं कि आप अच्छी सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अधिक परिश्रम यानी अधिक परिश्रम यानी अधिक ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और इस पाठ द्वारा ये विचार मंथन है, इस पाठ का ये विचार है, इस मिलता है हमें मंथन मिलता है कि श्रम का फल मीठा होता है, यानी मेहनत का फल मीठा होता है। इसका अर्थ ये भी होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ जो है वो हमें बिना मेहनत के प्राप्त तो नहीं होती। इस संसार में चाहे वो चींटी हो, चींटी से लेकर हाथी, कोई भी हो, हर एक को अपना जीवन जो है वो व्यतीत करने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। किसी को जो है वो बिना मेहनत की कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। तो जब ये चींटी जो इतनी छोटी सी हमारे नाखून के छोर के बराबर होती है, लेकिन वो भी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए इतनी मेहनत करती है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमें इस चीज़ का कितना पालन करना चाहिए, इस बात को इस विशेष निबंध में, इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको जो शेयर किया था उसमें इस पाठ को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ में आए कुछ शब्द, अर्थ, विरोधाती शब्द और कोष्ठक की जानकारी दूंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि देखते हैं कि इस शब्द में कौन कौन से शब्दार्थ आए हैं। शब्द है राय। राय का मतलब होता है सलाह देना, अभिप्राय देना। जुर्माना मतलब आर्थिक दंड, यानी आर्थिक मतलब रुपए पैसे का जो दंड होता है। जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते वक्त उसने गलत तरीके से गाड़ी चलाया है, या उसे गाड़ी चलाते वक्त जो नियम होते हैं, जो उसूल होते हैं, उसका अगर पालन नहीं किया है, तो हवलदार जो है वो उसको फाइन लगाता है। उस फाइन को आर्थिक दंड यानी जुर्माना कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण के जानकार, ऐसे लोग जो भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उसके व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो ऐसे लोगों को व्याकरण कहते हैं। विद्यार्थी यानी छात्र। शीघ्र, शीघ्र यानी तुरंत। कक्षा अध्यापक, कक्षा का मतलब होता है जमात, अध्यापक का मतलब होता है टीचर, तो कक्षा अध्यापक का मतलब होता है शिक्षक। प्रधानाचार्य मतलब मुख्य अध्यापक। दंड यानी सजा। निसंदेह यानी बिना किसी आशंका के, बिना किसी शक के, बिना किसी शुभे के, उसको कहते हैं निसंदेह। कुश यानी एक प्रकार की खास। परिश्रम यानी मेहनत। पथ यानी रास्ता। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। निवेदन यानी अर्ज, यानी अगर आपको अगर आधे दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल से, या अगर आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए, दो दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको जो है वो अपने शिक्षक को, अपनी कक्षा अध्यापक को आपको सूचित करना चाहिए, पहले से उनको बताना चाहिए। तो आप कैसे बताएंगे, सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि आपको अपनी कक्षा अध्यापक यानी आपकी जो शिक्षिका है, आपकी जो क्लास टीचर है, उसको आपको एक निवेदन देना, निवेदन पत्र देना चाहिए, मतलब अर्ज देना चाहिए जाने से पहले। घोषित यानी ऐलान। व्यर्थ यानी निष्फल, बेकार। अब बच्चों हम देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से विरोधाती शब्द आए हैं। तो पहला विरोधाती शब्द है परमात्मा, आत्मा। निष्फल, सफल। निष्फल यानी नाकामयाब, सफल यानी कामयाब। सफलता, असफलता। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, यानी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का मतलब यही है, सफलता उत्तीर्ण यानी सफलता, अनुत्तीर्ण यानी असफलता। ये दोनों एक दूसरे के अर्थ है, और ये दोनों एक दूसरे के जो है वो विरोधाती शब्द भी हैं। पतन, उत्थान। परिश्रमी, आलसी। शत्रु, मित्र। जीवन, मृत्यु।
तो बच्चों इस तरह से हमने ये विरोधार्थी शब्द देखे। अब हम देखेंगे कि कोष्टक की जानकारी प्राप्त करेंगे। कॉस जिसको हम उर्दू में कॉसैन कहते हैं या इंग्लिश में आप इसको ब्रैकेट्स कहते हैं, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कोष्टक। तो कोष्टक जो है बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है बड़ा कोष्टक और एक होता है मंझला कोष्टक। सबसे पहले देखेंगे हम छोटा कोष्टक कैसे कहते हैं और वो कहाँ पर उसका उपयोग होता है। तो क्रम सूचक अक्षर, मतलब अगर आप नंबर लिख रहे हैं या फिर अ आ इ ई ऐसा लिख रहे हैं क्रम से, यानी लाइन से, अ प्रश्न, ब प्रश्न, तो इसको इस तरह का प्रश्न लिखते वक्त इस तरह के कॉस जो है छोटा कोष्टक उसके आगे लगाते हैं, या अंक लिखते वक्त लगाते हैं, या संवाद में लेखकों में, मतलब ऐसा कोई लेखन आप कर रहे हैं जिसमें डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं किसी के, तो किसी ने कोई डायलॉग कहा है हंसते हुए कहा, तो आप ऐसा कोष्टक में लिखते हुए हंसते हुए, डर के कहा है तो डर के इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, जैसे सागर, सागर यहाँ पे जो कह रहा है वो कैसे कह रहा है? आश्चर्य से कह रहा है ना, हैरत से कह रहा है। तो अभी यहाँ पे हम उसका चेहरा तो नहीं दिखा सकते, उसका भाव तो हम चेहरे से दिखा नहीं सकते, तो उसके भाव को प्रकट करने के लिए, उसके जज्बात को प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए हम जो है वो कोष्ठक में जो भी उसका भाव है, जो भी उसकी बोलते समय उसका जो भी भाव है वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आश्चर्य से, आप कहाँ, यहाँ कैसे। उसके अलावा निम्न प्रश्न हल करो, जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे अंक लिखा है एक, आ ठीक है, तो उधर एक लिखा है तो उसको भी हम इधर छोटा कोष्टक करते हैं, है ना, छोटे कोष्टक में मैंने एक लिखा। फिर निम्न, अभी यहाँ पे मैंने उसके बाद अ प्रश्न मेरा है, ब प्रश्न है, तो ये अ प्रश्न और ब प्रश्न के लिए भी हम छोटा कोष्टक का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है बड़ा प्रश्न, बड़ा सॉरी बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक का इस तरह से किया जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं हम? कि जब लेखन में त्रुटि, त्रुटि मतलब गलती को, या त्रुटि मतलब कमी को या गलती को पूरा करने के लिए, पूर्ति बताने के लिए, यानी पूरा करने के लिए दूसरे कोष्टक को घेर, या फिर दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इस प्रकार का कोष्टक इस प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें एकदम यहाँ पर मैं बता, देखो यहाँ पे भी छोटा कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है ना, तो अ है, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित, अब ये अनुवादित जो है वो गलत हो गया है ना, तो अब इसको सही करने के लिए यहाँ पर बड़े कोष्टक का उपयोग किया गया है। अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर नमूना आपका पत्र, अब यहाँ पे छोटा कोष्टक है, इस छोटे कोष्टक को भी कवर करने के लिए बड़ा कोष्टक लगाया जाता है, ठीक है, नमूने का अनुसार, के नमूने के अनुसार है। उसके बाद आता है मंझला कोष्टक। एक चीज और बताना भूल गए मैं बच्चों, कि बड़ा कोष्टक को कहते हैं वर्गाकार कोष्टक। वर्गाकार का मतलब होता है बांटना, हिस्से करना, तो इसको वर्गाकार कोष्टक भी कहते हैं। मंझला कोष्टक कहलाता है, उसको सर्पा सर्पाकार कोष्टक भी कहते हैं। सर्प होता है सांप, तो ये इस तरह से जो दिखाई देता है इसके लिए इसको सर्पाकार कोष्टक भी कहते हैं। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका, इस कोष्टक का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर दो तीन नाम एक जैसे हों तो उन तीनों को एक जैसा या उन दोनों को एक जैसा एक साथ बताने के लिए, जैसे यहाँ पे दो पुस्तक के नाम लिखे हुए गोदान और निर्मला, अभी दोनों को एक साथ बताने के लिए अक्सर आपके टीचर जब बोर्ड पर समझाते होंगे तो इस तरह के कोष्टक का वो उपयोग करते होंगे। आप अगर आपको याद होगा तो आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों नाम एक ही है तो इसको एक साथ बताने के लिए इसका उपयोग किया गया है, जो प्रेमचंद की उपन्यास है। फिर यहाँ पर भी तुलसीदास और कालिदास, ये बहुत महाकवि हैं दोनों भी, तो उनके लिए इस तरह का, इन दोनों को एक साथ बताने के लिए इसका उपयोग किया गया है। उसके बाद एक और है हंस पद, ये हंस पद का उपयोग करता है जब लेखन में, लिखने में को, जब हमारे से कोई शब्द छूट जाता है, ये तो अक्सर आप लोग भी इसका उपयोग करते हैं, या कोई पंक्ति छूट जाती है तो उसे ऊपर लिखने के, लिखकर इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। जैसे असीम ने, यहाँ पे सुंदर छूट गया है तो सुंदर भेंट कार्ड बनाया, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने वाक्य तो लिख लिया लेकिन भेंट कार्ड कैसा था, सुंदर था, वो मुझे लिखना चाहिए, तो ये लिखने के लिए यहाँ पर एक चिन्ह बनाकर दिखाया गया है।
वे पिताजी कल यहाँ पे आएंगे। अब किधर आएंगे वो मैंने लिखना भूल गई, अब मुझे वो लिखना है तो मैं यहाँ पे हंस पद लगा के मुंबई ऊपर लिख रही हूँ। तो बच्चों इस तरह से हमने ये समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह जूम पर जब हमारी मुलाकात होगी तो जो चीज़ इसमें से आपको समझ में नहीं आई है हम उसका एक बार वापस से जो है वो रिवीजन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।